एंड जिस कास्ट में मेरी शादी हो रही है वो भी अब क्या नाम बता दूँ, तो चलिए हैप्पी फॉर मी, हैप्पी फॉर यू, और नाम बता देती हूँ, खुश हो जाओ आप लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सभी का थैंक यू सो मच। और ये ना 4:30 बजे का क्लिप है सुबह का, आज मंडे है, आज मंडे के दिन का ये व्लॉग है। और 4:30 हो रहे थे और यहाँ मम्मी पूजा में जाना था ना, तो मुझे जगाई थी कि मुझे पूजा तक छोड़ के आ जाओ, पास में ही जाना था। तो आज था सोमारी अमावस्या और उस दिन भौरी दिया जाता है पीपल के पेड़ पे, मतलब पीपल का पेड़ हो या फिर तुलसी माँ का हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग रीतियाँ होती हैं। तो उसके लिए मम्मी ने जगा दिया था, वहाँ जाने के लिए मम्मी ने सारा कुछ अरेंज कर लिया था, जितने भी पूजा पाठ के सामान थे। और मैं मम्मी को छोड़ने जा रही थी, जस्ट मेरे घर के आगे जो 2-4 मकान देखते हो आप लोग ना कभी कभी ब्लॉग में, वहीं से थोड़ा सा आगे ही था, बस पास में ही था, जाना था। तो मैं मम्मी को छोड़ के आके घर का काम निपटा ली, फिर भी बहुत लेट हो गया था आने में। और आने के बाद थोड़ा सा आलस लग रहा था कि सो लूं। हेलो गाइस, अभी बज रहे सुबह के 8:40। मैंने आज से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, 5 दिनों तक मैंने एक्सरसाइज बंद करी थी, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। तो अभी करा नहीं है, मतलब कि अब करूँगी, अभी एक्सरसाइज करूँगी, 8:30 हो रहा है। और क्यों अभी करूँगी बता देती हूँ आप लोगों से, क्योंकि भाई को जाना था स्कूल और छोटी वाली सिस्टर को कॉलेज जाना था, तो दोनों लोग के लिए नाश्ता वास्ता बनाया, पापा और दोनों भाई बहन ने नाश्ता कर लिया है, तो लोग चले गए कॉलेज स्कूल। अब मैं फ्री हुई हूँ, तो अब मैं ना अब एक्सरसाइज करूँगी, फिर नहाऊँगी, नहाने के बाद से फिर मैं लंच बनाऊँगी। तो लंच में आज बनाऊँगी कढ़ी चावल, और फेस देख सकते हैं कितना डल सा लग रहा है ना, क्योंकि मैं 4:30 बजे का ही जग गई हूँ, मम्मी के साथ पूजा में जाना था। और उसके बाद से मम्मी का थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया है, तो मैंने सब कुछ करवा दिया है। अब चलूँगी मैं एक्सरसाइज करूँगी, पोछा लगाऊँगी, उसके बाद नहाऊँगी, फिर लंच बनाऊँगी, उसके बाद सोच रही हूँ ना आज 30 मेकअप लुक क्रिएट कर लूँ, क्योंकि 6 तारीख हो गया है, तो 6 या 7 इन्हीं दो दिनों में करूँगी। लेकिन फिर से दिमाग में आ रहा है ना कि शाम के टाइम में करूँ, क्योंकि लाइट अभी कट जाएगा, जब तक मैं काम से फ्री होंगी तब तक लाइट कट जाएगा, और बिना लाइट के इतनी गर्मी में ना मेकअप लुक नहीं क्रिएट हो सकता है, तो हमारे साथ एक भी प्रॉब्लम हो जाती है इसके वजह से। तो ये सब थोड़ा बहुत काम तो सारा हो गया है। हेलो फ्रेंड, अभी नहा ली हूँ मैं, और आँख दोनों लाल लग रहे होंगे ना, पता नहीं क्यों आँख में दर्द सा हो रहा है। और अभी टाइम हो रहे हैं 11:20। अभी मैं चल रही हूँ कढ़ी और चावल बनाने, नहा के मैंने कपड़ा रैप कर लिया है, क्योंकि बाल अभी नहीं कोम करूँगी, बाल टूट रहा है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है अभी। तो उसके पहले मैं पीऊँगी चाय, सुबह से 1 गिलास पानी, चाय कुछ नहीं पिया हुआ है, तो पहले पानी पीऊँगी, फिर चाय पी के फिर कढ़ी और चावल बनाऊँगी। रोटी सुबह का तो बना हुआ है, पराठा मैंने बनाया था सुबह में, तो चलिए दिखाते हैं। आप पता नहीं क्यों रेडनेस हो रहा है, आपको भी लग रहा है क्या? कैसे हो आप सभी, कमेंट कर देना। तो मुझे भूख तो बड़ा ज़ोर से लगा था, लेकिन सोची पहले लंच बना लेती हूँ, क्योंकि लंच बना लेती हूँ, क्योंकि भूख लग जाता है। जैसे बड़े वाले भाई को थोड़ा सा जल्दी भूख लगता है, भूख का मतलब कि 11:30 बजे तक हम लोग लंच कर लेते हैं, मेरा ही थोड़ा लेट होता है। अगर वीडियो में बनाना होता है या फिर एडिटिंग करना होता है, मुझे एक्स्ट्रा कोई वीडियो का काम होता है, तो फिर मेरा लेट हो जाता है। तो यहाँ मैंने ना ये ग्रेवी के लिए, जो बेसन वाली ग्रेवी होती है, मतलब कढ़ी के लिए, यहाँ पे बेसन और पानी और हल्दी मिला के मैंने रख लिया था, और मेथी से ही कढ़ी में टेस्ट आता है, तो मेथी और मिर्च मैंने डाल दिया था। आप सूखा मिर्च डाल सकते हैं जैसे कि अगर आप बना रहे हो मुझे देख के, तो और मतलब सूखी मिर्च डलती है, लेकिन मेरे वहाँ ना हरी मिर्च लाल लाल हो रखी थी, ख़राब हो रही थी, तो मैंने उन्हीं में से डाल दिया है। उसके बाद मैं पकौड़ियों के लिए यहाँ बेसन तैयार करूँगी, इसमें डाला थोड़ा सा जीरा, हल्दी और नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी थोड़ा सा, और इसके बाद से ना इसको अच्छे से बना लूँगी। पराठा गोल वाला ही बना देती हूँ, फिर इतनी कोना वाला कहीं टिफिन उफिन में देना होता तो ही बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे गोल रोटी बना के तेल लगा देती हूँ। तो अभी वो खा रही, बहुत तेज भूख लग गया था, और 12 बज गए हैं अभी। कढ़ी और चावल हो रहा है, बस उसकी पकौड़ियाँ बनानी है, तो इसको खा के पानी वानी पी के फिर पकौड़ियाँ बना दूँगी, और उसमें डीप करना रहेगा, तो चलिए खा लेते हैं। ऐसे कौन कौन खाता है मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। ओके, खा के फिर बात करते हैं। इसके बाद से ना मैंने चाय पराठे खा लिए, चाय पराठे खाने के बाद मैं पकौड़ियाँ बना ली। एक तरफ चावल मेरा हो गया था रेडी, और यहाँ पे कढ़ी है ना, कढ़ रही थी जैसे कि खोल रही थी, जितना ही खोलता है उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने कॉटन के बोरे धुल दिए थे, जैसे
मैट के तरह से हम लोग जो गांव में यूज करते हैं उसे, और यहाँ पे टोनर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही डलनेस सा फेस पे लग रहा था मेरे, तो मैंने टोनर तो रोज़ अप्लाई करना है, लेकिन मैंने आज मतलब ए वाला टोनर अप्लाई किया है। कभी कभी मैं गुड वाइब्स का यूज़ कर लेती हूँ, तो यहाँ टोनर अप्लाई करूँगी और बिंदी लगा लूँगी अपना। और आप सभी का फेवरेट मतलब ब्लैक वाली जो मेरे पे बहुत अच्छी लगती है, आप लोग कमेंट करते रहते हो। यहाँ थोड़ी ऊपर लग गई थी, लेकिन अच्छा लगता है ऊपर, थोड़ा सा अच्छा लगता है। जो लोग शादीशुदा है ना, वो लोग भी मतलब सेंटर में लगाते हैं आईब्रोज़ के, तो उनका अलग से वो लगता है, लेकिन यहाँ मुझे ना ऊपर ही अच्छा लगता है। और भाई अभी देख रहा है वीडियो, और मैं खाना बना के आया हूँ, लाइट भर के आया। इसी टाइम में लाइट रोज कटता है मेरे यहाँ, 12:20 हो रहा है अभी। सारा काम ख़त्म कर ली हूँ, अब खाना खाना है, बट बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि पराठा चाय खा लिया। अब खाएँगे 3 बजे के लगभग, जब लाइट आएगा तब खाना खाएँगे, जब मम्मी पापा उठेंगे तो फिर खाना देंगे। बहुत गर्मी है, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इसी टाइम में लाइट कट जाता है। हेलो गाइज, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। तो सब कुछ तो कर लिया था, दिन में आराम किया, बहुत लेट से आज नहाया खाया, और खाना भी बहुत लेट से बना था। 2:30 बजे मैं खाई, कढ़ी चावल बनाई थी, और शाम के टाइम मैंने, अभी सोचो कि आप इतने बड़े इयर रिंग्स क्यों पहन लिए, रेंडमली ये मतलब ऊपर ही थे, मुझे छोटा इयर रिंग्स नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये वाले डाल लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा बात करना था आप लोगों से। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आपने पिछले वीडियो में दिए, कल की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी ना तो देख लो जाके यार, थोड़ा सा प्यार तो चाहिए मुझे वीडियोज़ में, तो वीडियो में थोड़ा सा प्यार दे दो आप लोग, और वीडियो को सपोर्ट करो। तो पिछले मतलब 2-4 ब्लॉग पे जब से मैंने अपनी शादी की बात करी हुई है, तब से आप लोग के बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट आ रहे हैं, और कुछ थोड़े से ख़राब भी कमेंट आ रहे हैं कि अभी से क्या आप बता रहे हो, अभी से क्यों बता रहे हो। देखो, YouTube मेरी फैमिली है, और जितने भी मेरे लोग मेरे से लोग जुड़े हुए हैं ना, उनको मैं अपनी फैमिली मेम्बर मानती हूँ, और मेरी सारी बातें उन लोगों के साथ शेयर होती है, मैं सब बात अपनी शेयर करती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये मेरे मन में था कि क्यों ना मैं ये करूँ, क्यों छुपाए बैठी हूँ, आखिर आज नहीं तो कल होना ही है। अगर मैं YouTube की फैमिली मेम्बर से नहीं बताती, तो मुझे तो पता है, मेरी फैमिली को तो पता है कि मेरी शादी फिक्स है, तो कहीं ना कहीं बताने इस पे ना एक हैप्पी फील होता है कि चलो हम जिस चीज़ को छुपा रहे थे, आखिर एक ना एक दिन तो होना ही है, तो क्यों छुपाए, आखिर कर देते हैं। और बहुत लोगों ने लिखा था कि मेरा हस्बैंड क्या लिख रही है, एक दो कॉमेंट आया था, तो क्या लिखूँ भाई, मतलब मेरे से शादी होगी तो मैं अपने ही हस्बैंड लिखूँगी ना, तो थोड़ा सा इतना मुझे नफरत क्यों देते हो, क्या मैंने आपसे मांग लिया, डिसलाइक कर दो अगर वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो, सिंपल सा, क्या नफरत पाल के रखते हो यार, जाना तो सबको एक दिन ऊपर ही है, अच्छे अच्छे लोग चले गए, हम क्या है, नफरत मत दो, प्यार देना है तो दो, नहीं तो किनारे हो जाओ, सुकून से आप भी रहो, सुकून से मैं भी रहूं। देखो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दो, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा वीडियो आज सारा कन्फ्यूजन आप लोग का दूर कर दूंगी मैं, और बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगी वीडियो में। तो कई लोगों का सवाल था कि आपके हस्बैंड करते क्या हैं, आपके हस्बैंड रहते कहाँ हैं, आपकी शादी कहाँ हो रही है, आपकी शादी गांव में हो रही है, शहर में हो रही है, कहाँ हो रही है। तो इन सब सवालों का मैंने जवाब दे रखा है, जाके वीडियो देख लेना आप लोग, और इस वीडियो को लाइक कर दो आप लोग। तो 2 सवाल मेरे पास अभी पेंडिंग पड़े हुए थे। तो सबसे पहला सवाल कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है, एंड सेकेंड सवाल था कि आप किस कास्ट से हो और आपकी शादी किस कास्ट में हो रही है। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन आए, जितनी भी बहन मेरी मुझे यूट्यूब से और इंस्टाग्राम पे जुड़ी हुई हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो देखती हैं यानी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करती हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत ही हैप्पी वाली फीलिंग अपनी मोमेंट शेयर करी कि आपकी शादी को लेकर मैंने अपनी फैमिली में बताया, सब लोग बहुत खुश हैं कि बहुत सब कुछ मैनेज कर लेती है प्रिया, अच्छा होगा, बहुत अच्छा परिवार मिले। तो थैंक यू सो मच सभी अंकल आंटी को जो मेरे मम्मी पापा के समान है, सब लोगों को थैंक यू सो मच, और सभी को नमस्ते प्रणाम, आप लोगों ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, और सभी प्यारे प्यारे मेरे भाई बहन को दिल से शुक्रिया, और बहुत सारा लव यू सो मच। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं ब्राह्मण में भी कई मतलब होता है ना कास्ट, एक अगर हिंदू है तो हिंदू में कई सारे कास्ट हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम में कई सारे कास्ट हैं, तो वैसे मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण में मैं द्विवेदी हूँ, और
द्विवेदी, मतलब पता होगा दुबे, द्विवेदी को दुबे भी लिखा जाता है और द्विवेदी भी लिखा जाता है। एंड जिस कास्ट में मेरी शादी हो रही है वो भी ब्राह्मण है, लेकिन वो तिवारी हैं और उनके सर, उनका सरनेम तिवारी है, मेरा सरनेम द्विवेदी है। तो मेरा नाम तो प्रिया द्विवेदी है एंड उनका नाम मैं बता देती हूँ, फाइनली आज बता देती हूँ कि उनका नाम क्या है, क्योंकि इतने दिनों से ना आप लोग पूछ रहे थे कि प्रिया जीजू का नाम क्या है, दीदी आप बता दो बता दो। तो मैंने सोचा बता देती हूँ। और जितना मुझे ना इंस्टाग्राम पर वो आ रहा था, DM आ रहा था, तो सब लोग ना बहुत आश्चर्य कर रहे थे कि आपकी शादी फिक्स हुई, आप लोग आपने छुपा के रखा। तो देखिए मुझे लग रहा था ना कि मैं ज़्यादा टाइम तक इसको छुपा पाऊँगी, फिर शादी के इतने सारे क्वेश्चन, आप शादी कब करोगे। तो देखिए शादी का भी कोई उम्र भागा नहीं जा रहा, लेकिन होता है ना, जैसे मैं हूँ, मेरी एक और सिस्टर है और हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में रहने का मतलब क्या है कि शादी मतलब एक के बाद एक लोगों को तो निपटाना ही होता है, मम्मी पापा के लिए ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है। तो जल्दी से हो जाएगा, मतलब जल्दी क्या, अभी तो थोड़ा सा मेरी शादी में टाइम है, बट फिक्स हो गया। और हाँ नाम बता देती हूँ, बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन का जवाब मैं अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में किसी में दे दूँगी। नाम को लेके 5 मिनट आपका ले ली, अब क्या नाम बता दूँ। तो चलिए हैप्पी फॉर मी, हैप्पी फॉर यू, और नाम बता देती हूँ, खुश हो जाओ आप लोग। तो जी हाँ, उनका नाम अमित है और बहुत अच्छा, एक लड़की के लिए बहुत ही स्पेशल टाइम होता है जब वो किसी ऐसे पार्टनर मतलब किसी ऐसे लड़के का नाम लेती है जो उसका पार्टनर होने वाला है। और अभी शादी हुई नहीं है, बट एक फीलिंग्स होती है, हर लड़की के मन में एक फीलिंग्स होती है ना, तो मैंने सोचा कि नाम बता देती हूँ, क्या छुपा के रखना। तो जी हाँ, उनका नाम अमित है और अमित तिवारी, फुल नेम उनका है अमित तिवारी। और आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट मुझे देते रहो, और फाइनली नाम बता दिया, अब तो खुश हो गई मेरी बहनें, जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा सर खा रही थी कि दीदी नाम बता दो। लो अब नाम बता दिए, नाम लेके जपो आप लोग और ऐसे प्यार मुझे देते रहो, बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। और मेरी शादी से रिलेटेड जितनी भी टाइटल्स हैं उन सब वीडियो को आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। तो ऐसे ही प्यार देते रहो, लाइक कॉमेंट करते रहो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, नहीं करते हो ना तो बुरा लगता है, कर दिया करो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। नाम जान लिया ना, अमित और मेरा प्रिया, तो नेम कॉम्बिनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, लव यू सो मच गाइज, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, यहाँ ID दे दूँगी प्रिया द्विवेदी 9919। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, बाय।